नमस्कार देवा जी, अहिंसा नमस्कार। कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है और आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद आपको देखा, जूम पे ही बेशक, पर तो बचपन से आपकी क्या याद होगी देवा जी, अहिंसा के विचार या उसके अनुभव के बारे में? हाँ, मेरा बचपन से जो एक ऑब्जर्वेशन है, मैं वहाँ मेंढा लेखा गांव में, ये पूरे ट्राइबल लोग हैं, देखो वो सब कोया लोग हैं। कोया, हाँ, कोया का मतलब होता है इंसान, इंसान होता है वो। समाज जो है, उस आदिवासी तो बहुत सारे है, लेकिन ये समाज जो है कोया समाज, ये कोया समाज जो है ये कुदरत के साथ जीने वाले लोग हैं, जल जंगल जमीन प्राणी पक्षी के साथ। ये जो है ये वो खेती करने वाले लोग नहीं, ये तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना, झूम खेती बोलते हैं ना, वो करके वो जी रहे थे। और वो जंगल में उनका निशाना है, पहले वो क्लियर पेलिंग करके आग लगा के वो मंडिया रागी ये उगाते थे, और उसमें हल चलाते नहीं थे। अच्छा, और ये समूहों में रहना और एक दूसरों को मदद करना, ऐसा इनका जो व्यवस्था पहले से ही थे, तो उसमें मैं बचपन से एक उसका। बाकी जो ट्राइबल का जो वाले है, उनका जो व्यवस्था संस्कृति का भाग अगर देखेंगे तो उसका रीति रिवाज थोड़ा अलग होता है। इनका रीति रिवाज, बोली भाषा जो है, ये मूल भाषा उनका कोयच है, अभी लोगों ने उनको बोली भाषा दिया गया है। तो इसमें क्या दिखता है कि मैं बचपन से वहां रहते, वह समूह में काम करते थे। कुछ कुछ भी, वो जंगल में जाएंगे तो समूह में मछली पकड़ने के लिए जाएंगे, और वो घास के मकान थे पहले, मैं छोटे था तब घास के मकान थे, ये कंक्रीट नहीं था। और ये जो आ, आ, कवेलू वगैरह है ना, बंगलोर कवेलू, ये भी नहीं था, तो घास लगता था। तो लोग जैसे एक परिवार जैसे सब मिलके जंगल में जाके, युवा युवती महिला पुरुष जाके घास काट के एक जगह थे, और वहां से फिर उसको बंटवारा करते थे। बहुत उससे मैंने देखा कि ये क्या है, ये एक परिवार जैसा। तो उसका ऐसा ऑब्जर्वेशन में देखा कि किसी के पास बैल बंडी थे, किसी के पास नहीं थे, तो जंगल में लाने के लिए उनको, तो उसको सामूहिक पद्धति से अगर लाए तो उनका सुविधा होता था। कुछ शादी भी होगा तो शादी भी एक व्यक्तिगत रूप से करते थे, लेकिन समूह पूरा गांव सहभाग, और गांव ने मदद करते थे। चावल है, पैसा है, सब सब जितने अपना खाने के लिए चीज लगता है उतना पूरा वो व्यक्तिगत रूप से मदद कर देते थे। तो उनको कोई शादी का खर्चा नहीं था, सब एक दूसरे से मदद करते थे। फिर वो उसका जो कोई बुजुर्ग आदमी या महिला मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो पहले कैसे करते थे, उस समय वो व्यवस्था नहीं थी। कोई भी जिसके पास अनाज है, पैसा है गांव में, तो उससे मदद लेते थे, उससे मदद लेके वो काम करते थे। लेकिन वो जो मदद करने वाला आदमी, वो उसका मुबदला कुछ बैल हो या बकरा हो या कोई जमीन हो वो लेता था। वो फिर उसका ही अध्ययन करके फिर इन्होंने पहचान किया कि अभी किसी को ही ये क्या है, समस्या नहीं है। अभी गांव वाले लोग पूरा कोई मृत्यु हो गई, के छोटे हो बड़े हो, तो पूरा गांव वाले मदद करते हैं, पैसा अनाज पूरा। उनको खर्चा ही नहीं आता, बहुत चावल में मदद करते हैं। एक ही गांव में नहीं है, यहाँ तो अभी एक गांव से शुरू हुआ तो पूरा परिसर ने ये पूरा ही किया। सभी का इस तरह से चल रहा है, और भी आगे देखेंगे तो इनका जो न्याय व्यवस्था है,
झगड़ा होता है, मनुष्य जहाँ है वहां झगड़ा ही होता है, इनका झगड़ा का फैसला कैसे करना वो मैं बचपन से वहां देखा। और वहां जो उसका जो न्याय व्यवस्था ऐसा है कि पंच का मतलब चार पांच लोग नहीं है, ये पुढ़ारी पुढ़ारी लोग बैठते हैं या और निर्णय लेते हैं ऐसे नहीं। जितने लोग वहां बैठेंगे महिला पुरुष उतने लोग पंच पंच कहला जाता है। लेकिन पहले जो था वो महिलाओं का सहभाग कम था। अगर महिलाओं के बारे में अगर वो मीटिंग होगा न्याय फैसला है तो वो उनको बुलाया जाता था, कभी कभी बुलाया भी नहीं जाता था। लेकिन अभी जो हो रहा है कि सभी लोग महिला पुरुष बैठते हैं, वहां न्याय करने की पद्धति देखी, ये कहीं कहीं समाज में क्या करते हैं, पांच लोग पंच नियुक्ति करते हैं, पंच निर्णय देते हैं, यहां भी पंच निर्णय देता है ऐसा ही बोलते थे लोग। लेकिन पंच का अर्थ क्या होता है, और हमारे कोया व्यवस्था में कोयतूर संस्कृति और न्याय व्यवस्था में कैसे थे उनका, कि दोनों पक्ष के लोग झगड़ा किया, दोनों पार्टी के लोग आ गए, दोनों पार्टी का जो पार्टी के लोग वहां बुलाते हैं पंच को, वो जो बुलाते हैं उनको ही से शुरू करते हैं अपना क्या क्या हकीकत है, कैसे झगड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ, वो पूरा बताते हैं, एक बाजू का पूर्ण सुन लेते हैं, दूसरा जो बाजू का रहला उनका भी पूरा सुन लेते हैं। अब बताइए आपका क्या क्या हुआ, दोनों पक्ष के लोग बताते हैं, वो दोनों का सुन के बैठने वाले लोग सकी वह किसका गलती है ये समाज में आता है, लेकिन किसी को आपका गलती है ऐसे पंच नहीं सुझाव करते, पंच नहीं सुझाव करते कि तेरा कि दोनों ने काय के लिए झगड़ा किया ये दोनों को पता है, कैसे झगड़ा किया, मारपीट किया, क्या है उनको ही पता है। अभी जो है निर्णय लेना है, जो फैसला करना है, तो अब दोनों को ही करना है, अब ये दोनों को करना है, मतलब मिलके करना है, उनको मिलके करना है, मिलके करना है। पंच फैसला नहीं करेगी, पंच मुखी परमेश्वर है, वो कभी ये नहीं करेगी। लेकिन अभी वो दोनों में क्या करेंगे, फिर पैसा दोनों तो झगड़ लिया है, लेकिन वो किसका गलती है वे दोनों को समझ में आता है, लेकिन वो भी तेरा गलती ऐसा नहीं कर सकता। तो जो आदमी वहां है कि गलती किसका है उनको खुद को ही पता है, तो वो जब तक वो मेरा गलती हुआ है ऐसा कहता नहीं, तब तक उनको सामाजिक जो जो दंड तैयार होता है वो नहीं हो सकता। मिनिमम ऐसा एक नियम है, अगर तेरा गलती है, गलती का प्रमाण एक कमी जास्ती होता है ना, इसलिए तो कौन सा गलती है क्या है, तो उसका ऐसा है कि एक नियम भी, अगर गलती वाला आदमी को 25 रुपया दंड देना पड़ेगा छोटा सा, और भी छोटा है तो 15 रुपया, थोड़ा बड़ा हो 51 रुपया, थोड़ा बड़ा हो तो 101 रुपया का ऊपर दंड नहीं है, ये ऐसा एक नियमावली का। तो उसमें ये हुआ है कि ये तो सामाजिक एक नियम है, अभी ये भी गलती किसका है वो जब तक मेरा गलती हुआ है सब तब बोलता नहीं, गुन्ना कबूली नहीं होता है, तब तक उनको दंड लागू नहीं होता है। और दंड भी पंच नहीं कहेगा कि आप इतना ही दंड, ऐसा नहीं है। और उनको ही जो झगड़ा किया और गलती आपने तो पता है, और दंड भी खुद पर खुद ही वो करेगा, इतना देना सही करिए। क्योंकि मुझे ऐसे समझ आ रहा है कि शायद इस समाज का मकसद ये था, लक्ष्य ये था कि जिसने गलती की है उसको खुद को सुधारने का भी मौका मिले, क्या मुझे ठीक समझ आया? हाँ हाँ हाँ
तो ये ही है कि भाई अगर दूसरे लोग सुधारने के लिए जाएंगे तो वो सुधारने के लिए जाता है वो भी बिगड़ गए है ना कभी ना कभी, कैसे उनको सुधारेंगे। स्वयं शासन है ये, यहाँ हिंसा नहीं है, अहिंसा है ये। अगर दूसरे लोग उनको दंड करेगा तो ये अहिंसा है, ये शासन व्यवस्था है। स्वयं शासन व्यवस्था में स्वयं बोलिए नहीं तो ये आपने बचपन से ही ऐसा देखा। हाँ बचपन से देखा है। अभी ये तो हमारा नहीं बोलिए ना, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए। ये तो हमारा समाज से मैंने सीखा है ना, लोगों से क्या है, और भी पूरा इसमें भी हम इधर भी समाज है उससे सीखे हैं। ये तो हमारे समाज से हम सीखे हैं सुमन, यही तो स्वयं शासन यहाँ से। आपके यहाँ गढ़चिरौली इलाके में, आपके गांव में, जो हम आपके गांव के बारे में अभी जानेंगे, वहां गांधी जी का प्रचार भी पहुंचा जब गांधी जी जिंदा थे और आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो गांधी जी का जो अहिंसा के बारे में उपदेश था इसका जो सर है, हम सुनते थे पहले, सुनते थे गांधी जी के बारे में, लेकिन उतना हमको गांधी जी के बारे में जानकारी नहीं थी। किताब में पढ़ते थे, समझ में नहीं आते थे। इसका जो अध्ययन शुरू हुआ जी, अध्ययन शुरू हुआ उसमें कुछ चर्चा आई, और गांधी जी का फोटो वगैरह वो पढ़ते थे हम लोग, पहला दूसरा वर्ग में तीसरा वर्ग में लखना देते हैं। गांधी का तो नाम सुने थे लेकिन वो क्या है गांधी, गांधी का क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तब धीरे 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 इसका जो कहीं मीटिंग में कोई अच्छे आदमी लोग थे उसमें चर्चा में इस सुन आता था। फिर ये अध्ययन मंडल हुआ, हाँ जी, मोहन भाई के साथ जी, मोहन हीरा भाई हीरालाल इसके जी जी, हाँ। तो जंगल बचाओ मानव बचाओ का आंदोलन शुरू हुआ जी, वो देश में शुरू था, वो चंपल्ली भोपाल पटनम के इसमें से वह इसमें क्या हुआ कि भाई ये उसी समय ग्राम स्वराज का एक पदयात्रा भी शुरू था, यानी लोग ऐसा बोलते थे कि भाई ये जो इधर क्या है कि ग्राम स्वराज, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हमारा उसमें ग्राम स्वराज्य ये बात सुनने में आ गई। ग्राम स्वराज का अर्थ क्या और स्वातंत्र का अर्थ क्या है, और ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भी नाम था कि भाई भारतीय संविधान उन्होंने लिखा गया है, और लिख के ये जो है ये संविधान के अनुसार हमारे देश के राजकारबार चलेगा, सबको समान अधिकार अधिकार, हम भारत के लोग, ऐसा एक वाक्य है, और शांतता सुव्यवस्था समानता ऐसे सब सुनने में आते, इसमें भी हम सुनते थे मैं। और दूसरा जो है इधर एक राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज, इनका ग्राम गीता है, ग्राम गीता है, उनका भी हम सुनते थे, लेकिन वो ग्राम गीता भी नहीं पढ़ते थे, और पढ़ते तो भी कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा जो एक किताब है गांधी जी का हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज भी, हिंद स्वराज और ग्राम गीता और संत विनोबा भावे का स्वराज्य शास्त्र, ये स्वराज्य शास्त्र, ये सभी का इसमें मैं है, एक ही मैं ये की है कि भाई अहिंसा का मतलब क्या है, हिंसा और अहिंसा। और लोग तो बोलते थे कि भाई आदिवासी लोग जो है ये संपूर्ण ये हिंसावादी लोग, हिंसा ही करता, तो क्या हिंसा और क्या अहिंसा ये समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि हिंसा और अहिंसा किसको बोलते हैं। और अहिंसा का पर गांधी जी का नाम आ गया था सुनने में, लेकिन कैसे वो गांधी जी था तो अहिंसा का क्या है और आगे क्या हुआ, क्या है इसका,
तो इसमें जाके ये जो अध्ययन शुरू हुआ, तब गांव गांव में हम लोगों से जल जंगल जमीन का अध्ययन किया। मोहन हीराबाई हीराला और इधर पे डॉक्टर सतीश बबुलवा, सुभद्रा देशमुख और भी थे। हमारे यहाँ दो MLA थे, वो स्वर्गीय सुखदेव बाबू इके थे, अभी भी है एक माजी MLA हीरामन जी वरखड़े हैं, और वो भी स्वर्गीय डॉक्टर बीडी शर्मा, ये भी एक सहभागी अध्ययन ये शुरू हुआ। वो भी तो उनसे भी समझने के लिए बहुत ही मदद मिली ग्राम स्वराज्य का मुद्दे पर, और क्या क्या आदिवासी परंपरा रीति रिवाज संस्कृति और गांधी जी का जो था वो छोटे छोटे किताब में भी सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। सेवाग्राम में जाके अनेक शिविर में हम लोग सहभागी हुए, हाँ सहभागी हुए हैं। उसका जो एक प्रार्थना है गांधी जी का, हाँ वो उसका डायरी में भी है, किताब में भी है, वो भी सुनने में मिला, पढ़ने में मिला। उससे गांधी जी को स्मरण कि गांधी क्या अहिंसा का जो तत्व है जी। ये गांधी का ही ये बहुत प्रभावशाली है जी, तो उसका एक हमने ये किया कि भाई गांधी जी का जो एक विचार और उसका कृतिशील डायरेक्ट जमीन पर ये होने वाले गांव को वो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये अहिंसा का जो है कि उस तरह से थोड़ा अहिंसा में क्या होता है कि वह एक सामूहिकता आता है, दूसरा है कि थोड़ा निस्वार्थ त्याग और अपमान सहन करने का शक्ति। कितने भी तरह की कोई भी आदमी मानिए तो अपमान सहन करना, मर जाएंगे लेकिन दूसरों को हटाना नहीं, ये जो मुद्दा है उसका ही एक प्रयोग। हम तो ये सुने थे लेकिन हम इसके कैसे प्रयोग करना, तो वो गोठुल में मेंडालेका में हुआ प्रयोग। कैसे बताइए? वो गोठुल में कैसे हुआ कि ये जो अभी समस्या पैदा हो रहा है तो समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसका जो धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक वो सब सामाजिक महिला युवती पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या कहां पर पड़ा। पहले ऐसे नहीं था, पहले गोठुल था, गोठुल में लोग बैठते थे, लड़की लड़कों ने वहां गोठुल से एजुकेशन देता था, वहां ना गुरु ना चेला, सब गुरु सब चेले, एक दूसरे से सीखते थे और समाज में क्या क्या करना है, जवाबदारी क्या है, मेरा जिम्मेदारी या कर्तव्य क्या है, ये वहां सब एजुकेशन में पढ़ाई देता था, और काम करते करते ही उनको एजुकेशन देता, ऐसा उनका एक था कि सभी एक गांव की व्यवस्था कि मतलब स्वयं शासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था भी वहां दिखाया जाता है, सब जवाबदारी से कि वहां राज्य व्यवस्था भी वहां ये होता है कि वो पूरा हमने अध्ययन किया सब लोगों के कि उसका चुनाव अगर कैसे होता है, वहां की गोठुल के ग्रुप लीडर जो होता है महिला लड़की और लड़की का, तो वो भी हमने वहां चर्च किया। तो वहां ऐसा दिखता है कि वहां से सर्वसहमति आ रही है, लड़की का जो एक ग्रुप लीडर चुनना है तो लड़की का अलग ग्रुप बैठ के उनको चुनते थे, वो भी सर्वसहमत और समझदारी से, कौन सी लड़की ग्रुप को संभालने वाली है, नीतिवान चरित्रशील समझदार और संभालने वाली, ऐसे थे लड़काओं का ग्रुप में अलग बैठ के वो भी ऐसे सोचते थे कि भाई कौन सा लड़का है कि निर्व्यसनी है, समझदार है, नीतिवान है, ऐसे देख के उनको ना कर सर्वसहमत। दोनों ग्रुप एक जगह आके एक दूसरों को
पहचान के थे कि ये लड़के को हमने चुनाव किया है और ये लड़का को हमने किया है। अभी दोनों ग्रुप ने वहां बैठ के सर्वसहमति से उनको चुनाव करना है, तो दोनों ग्रुप को सर्वसहमति से ही चुनाव करते थे। ये क्या है, इसमें क्या दिखता है, ये भी अहिंसा का ही भाग है, हिंसा का भाग नहीं है सर्वसहमति, यहाँ से वो सर्वसहमत है। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, आगे जाके ये तो गोटुल का शिक्षण अच्छा था, गोटुल नहीं अच्छा। तो फिर मैं यहीं पे आपसे वो बात पूछती हूँ कि ये जो आपने सर्वसम्मति की बात कही, इसमें अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो नहीं माने, जो हाँ, सर्वसम्मति में नहीं शामिल हो, तो फिर उसके बारे में वो ग्रुप क्या करता है? वो तो उस समय तो कोई ऐसा विरोध करने वाला नहीं था। तो अभी का अगर ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी का जो अगर पूछेंगे तो मैं अभी उसका मैं आपको मतलब प्रैक्टिकल है, ये काल्पनिक नहीं है। जी जी, हाँ, बताइए ना। सर्वसम्मति यहाँ प्रयोग किया ना हमारे ग्राम सभा में जी। ग्राम सभा में तो छोटे बच्चे लड़के लोग नहीं है यहाँ, करेक्ट, तो आने विचार के लोग है। जी, तो जी। इसमें ऐसा ही हुआ, सर्वसहमति नहीं हुआ, एक आदमी ने विरोध किया। मेंढा में विरोध नहीं हुआ ऐसा नहीं है, जहां मनुष्य है वहां विरोध होता ही, तो यहाँ हुआ, तो उसका सवाल कैसे किया, उसको दबाया नहीं, उसको दबाना नहीं, उनसे समझना है उनसे कि भाई उसको अगर उनका जो है ना सम्मति देने वालों का जो है उनका राय लेना है ना, तो किस कारण से सहमति दिया वो सहमति वाले बताएंगे, और किस कारण से आप असहमति कहें सबका सामने वो बताएं। हो सकता है वो एक आदमी का सही हो सकता है, ऐसा भी है। तो ये समझने के बाद, और उसमें ये शादी शुदी बात नहीं है, तब जल्दी होने वाला काम नहीं, तो वो नहीं मानने के लिए तैयार नहीं, वो बताते भी नहीं, सहमति देते नहीं, और कारण भी बताते नहीं, और उठ के चले जाएंगे तो क्या करेंगे क्या। तो इसमें भी सीखने लायक है कि भाई ऐसा अगर प्रॉब्लम आ गए कोई भी, तो क्या करते हैं सरकार, समिति नियुक्ति करते हैं, इस घटना हुआ है, इसका घटने का एक अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति भेज देती है, वैसे ग्राम सभा ने समिति नियुक्ति करते हैं, जिसको रुचि है जिसको समझदार है ऐसे समिति हमारा नियुक्त होता है। तो ग्राम सभा में बैठने वाले तो अनेक विचार के हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो अकेला आदमी क्या करेंगे, हम इतने लोग हैं ना गांव के, गांव को बड़ा कौन है, ऐसे वो लगता है। इसमें ही समझना है कि भाई ये हिंसा का प्रोसीजर है, अहिंसावादी नहीं है, तो उनका भी समझना जरूरी है। वो आदमी विरोध वाला आदमी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, और ग्राम सभा पूरा उनके तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए समिति की नियुक्ति अध्ययन ग्रुप, वो जाके उनके साथ में चर्चा करेंगे क्या है उनका रहने, शांति से प्रेम से उसको प्रेम से बोलने। तो फिर उन्होंने सहमति दिया कि भाई उनका यही था कि हर आदमी के पास ईगो रहता है, वो बोला है कि भाई काम तो सही है लेकिन मैं कहूंगा तब आप लोग सहमति दें, तुम कहने से नहीं, लेकिन वो तो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा है लेकिन देखिए राज्य व्यवस्था क्या कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये काम ये रास्ता होना चाहिए, ये बांस कटाई करना है, इतना मैं बोलेगा तो भी आपको सहमति देना है, इतना ही काम होता है, तो वो तो सही बात है ना, इससे क्या बड़ी बात है। ऐसे ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका और पद्धत समझने का, नहीं तो फिर दो गुट तैयार होता है, कुछ हिंसावादी लोग होता है वो उनको दबाने का कोशिश करते, तो हम लोग ऐसे नहीं किया, इस तरह से ये हुआ है, कभी इसके ही जाए समय नहीं लगता, लोग बोलते समय लगेगा, समय समय कुछ नहीं था, कुछ लगता नहीं। तो आगे जाके मैं बताता हूँ ये जो गुरु के बारे में कि फिर इन्होंने क्या कि भाई अभी तो ये तो बहुत अच्छा था, अच्छा एजुकेशन था, जब गोटुल नष्ट हुआ तो हमारा विचार संस्कृति नष्ट हो गई, लोग एक संगठित नहीं है, पूरा बिखरे हुए लोग हुआ,
आपको इसमें उसमें फिर हम लोग क्या किया हूं? उसका ही अध्ययन बार बार एक एक विषय पर अध्ययन करे बिना कोई काम नहीं था। तो अभी तो गोटूल को बढ़ाना है, गोटूल तो पूरा क्षेत्र में खत्म हो, खत्म कर दिया बाहर के लोग आके उसको टीका टिप्पणी दिया, ये पिछड़े लोग है, आदिवासी लोग है, अनपढ़ लोग है, वनवासी लोग है, ऐसे करके इसको सुधारना है। पढ़ाई में उसका लड़के लड़कों को भेजो, तुम्हारा गोटूल गेटूल बंद करो, वो अपना वाद्य है, पारंपरिक वाद्य है, वो भी बंद करो, पहराव भी बंद करो, भाषा भी बंद करो, ये सब मराठी बोलो, हिंदी बोलो, ये पूरा एक आंदोलन कर दिया, अभियान रख दिया, आदिवासी लोग आदिवासी तय किया, गोटूल नष्ट हुआ। तो तब से ये क्या कि भाई ये तो भाई कुछ विचार करने वाले लोगों ने पीछे मोड़ के देखा कि ये अच्छा था, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाके, बस्तर में जाके, बस्तर में अभी भी कहीं भी जगह पर है लेकिन पहले जैसा नहीं है। अभी मैं जाके आया उस विचार से थोड़ा बहुत दूर गए हैं लेकिन नाम से तो है। तो वो गोटूल का हिस्सा किया कि भाई ये अच्छा था तो ये नष्ट हुआ तो फिर क्या किया? गोटूल का एक था हमारी संस्कृति रीति रिवाज का, दूसरा था हमारा जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है या हक है या नहीं है ये देखना था। तो निस्तार राइट्स का भी अध्ययन किया, 1955 का जो निस्तार हक का जो अधिकार था उनका भी कानून का अध्ययन। दूसरा जो हमारा परंपरागत हम मूल निवासी है तो इसका अधिकार है कि नहीं, शासन में तो कुछ है लेकिन कुछ लोग बोलता कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ऐसे उठते तो आप भी कैसे करें, ये कानून नहीं था पैसा और ये वन अधिकार कानून बाद में आए, ये तो पहले हमारा संघर्ष हुआ, जंगल को पकड़ के ही हमारा था। वन विभाग के जो अधिकारी पूरा शोषण करते थे, पूरे क्षेत्र में ही, मंडलेखा में नहीं है, पूरा क्षेत्र में था वो, तो उनको हमने बहुत विरोध करते थे लोग, मोर्चा निकलते थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब पॉलिटिकल लीडर भी आए पर कुछ भी नहीं हुआ, हो नहीं पाया। तो इसका हमने क्या किया, अभी तो किसी को पूछना नहीं है, हमारा जंगल जो है वो से ही सागवान लकड़ा काटते ही हम गोटूल बनाएंगे। तो आप संक्षिप्त में हमें थोड़ा बता सकते हैं कि मेंडालेखा कहाँ है और ये जो आपके गांव से नारा निकला हमारे गांव में हम ही सरकार, ये इस पे थोड़ा और विस्तार से बताइए कि मेंडालेखा कहाँ है और ये नारा आपके गांव में कैसे उठा? ये जो है ना गोकुल का थोड़ा शॉर्टकट में समझिए, ये तो वो अहिंसा का बात जो है कैसे आता है। जी जी बताइए ना, गांधी का जो एक मुद्दा था वो कैसे वहाँ, गांधी जी का जो देश था अहिंसा का बात था, उनको कैसे मदद हुई और उन्होंने आदिवासी लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया, जी जी बताइए क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ शासन पर और सभी शोषण करने वाले लोगों ने। जी वो यहाँ हुआ कि सागवान लकड़ा काट के ही हम गोटूल बनाएंगे, क्योंकि हमारा जंगल में सागवान है और हमारा गोटूल है, सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं, तो हम बनाएंगे। निर्णय लिया ग्राम सभा में सर्वसहमति ने, सर्वसहमति से निर्णय लेके जंगल में जाके फिर उनमें सागवान लकड़ी बड़ा बड़ा काट के वो लाए चौक में रखे, चौक में रखे। गांव में भी कुछ लोग बोलते थे ये बेकार है, सरकार हमको जेल में लेके जाएंगे, मारपीट करेंगे, ऐसे वगैरह, लेकिन महिला मंडल ने उसका और कुछ पुरुष मंडल कि हम किसी का चोरी नहीं करते हैं, बेचने के लिए नहीं है, हमारा जंगल है, हमारा जंगल से ये हमारा गोठुल बनाएंगे, ऐसे उन्होंने एक तो उसमें एक व्यक्ति भाई काट के रख दिया। तो उसमें पहला जो था ये वन रक्षक आया, वो वन रक्षक ने गांव के प्रमुख को पूछा ये जो सागवान लकड़ा है वो किसने काटा है, तो गांव वाले काटा है, ऐसे उन्होंने बताया। और उसमें जो है कि काय के लिए काटा है, नहीं गोटूल बनाने के, तो वो वन रक्षक ने क्या किया कि भाई ये तो
हमारा नौकरी का प्रश्न है तो हम इसको जब्त करते हैं, उसको हैमरिंग मार के वो पटेल को गांव का मुखिया को पता दिया कि कल रावण ऑफिसर आने वाले हैं, मैं इलाका जाके तो तुम गांव वालों को बुलाते रहते। तो सवेरे उन्होंने बुला के रखा दूसरे दिन गांव के मुखिया ने, तो फिर उसमें से वो रावण ऑफिसर आया, वो भी देखा, वो रावण ऑफिसर वो भी वही था कि ये लकड़ा किसने काटा, गांव वालों काय के लिए बुटुल बने, कौन बताया, कौन ही कुछ भी नहीं, हमने निर्णय। तो ये बोले कि ये आप वापस करो, दूसरा हम लकड़ा दें, नहीं हम नहीं, हमारे बुटुल के लिए तुम अर्जक क्यों नहीं किए, अर्जक किसको करेंगे, गांव वाले बोले अर्जक किसको करेंगे, नहीं वन विभाग को, हम अर्जन नहीं करेंगे, हमारा जंगल है हमारा जंगल। वो बोला कि भाई मेरा नौकरी का सवाल है, ये तो मैं लेके जाऊ, गांव वाले बोला तुम्हारा तेरा नौकरी तुम देखो, हमारा गांव हम देखो, उनको गुस्सा आया, वो कल मैं रेंजर को लाता, ऐसा करके वो वापस चला। दूसरा दिन में सवेरे रेंजर को लाया, गांव वाले वहां सब जमा हुए थे, रेंजर भी वैसे ही बोलने लगा कि ये सागवान लकड़ा जो है इसने बताया आपको कारण, गांव वाले काय के लिए बोतल बनाने के लिए, ये पूरा लकड़ा वापस कर दो, मैं डेपो से आपको लकड़ा दू, नहीं बोले गांव वाले लोग हम नहीं वापस करेंगे हमारा बोतल बनाने के लिए। वो भी बोला कि भाई ये हमारा नौकरी का सवाल है, देखो हमारा गांव हम देखता, उनको भी गुस्सा है, वो तुम्हारा गया दूसरे दिन में मोबाइल स्कोरस को लाते, मोबाइल स्कोर पैसा वो, और दूसरे में वो वापस चला गया, लोग अपना काम पे गया, रात में ग्राम सभा हुई 12 बजे तक, वहां चर्चा हुई, कुछ लोग ऐसे भी बोला कि भाई ये सागवान लकड़ा काट के ये गोटूर बनाना गलत है, ये सरकार हमको जहर में लेके जाएगी, कुछ लोगों का इतना था पुरुष लोगों, पहले ब्रिटिश कालीन भी सागवान लकड़ा को हाथ नहीं लगाते, अभी तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए, लेकिन उसका अध्ययन करके चर्चे में आया कि जंगल हमारा है, गांव हमारा है, तो हमारे लिए गोटुल बनाने के लिए जो करता है तो क्या कुछ कर सकते क्या ये सरकार, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, नहीं जहर में ले सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, ऐसा सुझाव आया। तो ऐसा चर्चा करते करते 12 बजे रात में महिला पुरुष बहुत गहराई से जाकर, दो दिन तो बैठा वो संघर्ष, तो क्या होने वाला है या बताए, तो उसमें ये हुआ कि सब लोगों ने 3 मुद्दे पर उन्होंने चुनाव किया। एक तो पहला मुद्दा है लाठी काठी का मार खाना, दूसरा मुद्दा है आवाज नहीं, देवाजी वो पहला मुद्दा एक बार फिर से बोलिए। हाँ, पहला मुद्दा जो है लाठी काठी का मार खाना पड़ेगा, लाठी का मार खाना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है जेल में जाना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा है फायरिंग हुआ तो सबको मरना ही पड़ेगा। क्या लेगी रात में 12 बजे संकल्प लिया सब कि अगर किसी को लाठी काठी से मारपीट करेगा तो सबको मारो, लेकिन हम नहीं मारेंगे, पत्थर भी नहीं उठाएंगे, गाली भी नहीं, अगर किसी को जहल में लेके जाएंगे तो सब लोग जहल में जाएंगे, एक भी गांव में नहीं रहेंगे, बच्चा बच्चा मान लो गाड़ी में जाएंगे पूरे गए, ये सर्वसहमति से नियम। तीसरा मुद्दा जो है कि फायरिंग हुआ तो सबको मारो, मारो हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन आपको गाली भी नहीं देगा, पत्थर भी नहीं उठाएगा और कुछ भी नहीं। 3 मुद्दे पर रात को 12 बजे संकल्प ले लिए और अपना अपना गाँव में लोग चला। ये कौन से साल की बात होगी? ये तो 88 91 में है, 91 90
और दूसरा जो था, हाँ दूसरा दिन का भी ये संकल्प रात में हुआ, दूसरा दिन मोबाइल स्कोरट आने वाले थे, तो मोबाइल स्कोरट ने इतना पुलिस और ट्रक लाए, वन विभाग के स्टाफ और पुलिस पार्टी भी आए थे, वो भी वो आए, तो वो लकड़ा जहां रखे थे चौक में वो देखा, और देखने के बाद वो प्रेम से कहने लगा कि काय के लिए ये लकड़ा, मैं गोठुल बनाने के लिए, किसने बताया? मैंने गांव वालों ने, तो ये गोठुल किसका है? बोले क्या, ये गोठुल तो हमारा आदिवासी का है, हमारे लिए है। तो अच्छा किया, बोले वो अच्छा किया हमने, लेकिन मेरी बात सुनिए, ये लकड़ा हमको वापिस दे दो, हम दूसरा लकड़ा हम आपको गोठुल बनाने के लिए ला रहे हैं। लोग बोले कि भैया, गांव वाले बोले नहीं साहब, ऐसा नहीं जाए, हम वापस नहीं देंगे। वे इतना प्रेम से कहने लगा, और लास्ट में उनका निर्णय ऐसा हुआ कि इतना लकड़ा मत दीजिए, एक इस बल्ली, एक बल्ली जो होता है वो ही लीजिए, बाकी मैं लेके नहीं जाऊ। तो लोग बोला एक बल्ली नहीं, टुकड़ा भी नहीं दूंगा। इतना बोलने से उनको गुस्सा आया, इतना मैं डिस्ट्रिक्ट के मैं अधिकारी हूँ, नहीं मान रहे हैं, कल मैं क्या करके दिखाऊं? ऐसे गुस्से गुस्से थे, उसका पुलिस थे, वन विभाग की स्टाफ, इतने लोग आए थे, गाड़ी वापस चला गया। 4 बजे थे उस समय, 4 बजे तुरंत लोगों ने ग्राम सभा ले ली, और ग्राम सभा लिए, और उनका निर्णय ऐसा हुआ कि भाई एक रात से गोठुल बना, एक रात से, रात भर में तो बनाने का एक निर्णय ले लिया और लग गए काम। एक रात से पूरा वो लकड़ा था, पूरा गोठुल बना के घास वगैरह डाल के कंप्लीट कर, और नीचे हमारा पारंपरिक व्यवस्था का एक व्यवस्था निर्माण, और फिर ग्राम सभा सबेरे ले लिया ये, अभी यहाँ जो हमारे यहाँ पूरा जो है मिलिट्री आने वाली थी, मिलिट्री पूरा परिसर गर्मा गर्म था, कुछ लोग विरोध थे, कुछ लोग बहुत चिंतित थे कि अभी मेंढा गांव ठीक नहीं पाएंगे सरकार के पास, तो मिलिट्री आने वाले हैं और इनको एक तो मारपीट होगा, या तो जेल में जाएगा, नहीं तो फायरिंग होके मर गए, ये बहुत सारे ये हुआ था। फिर वहां गया कि भाई ये ऐसा हो सकता है, तो सवेरे ग्राम सभा ले, और उसका निर्णय ऐसा हुआ कोई भी यहाँ पुरुष मंडली यहाँ बाहर नहीं रहना चाहिए, कहीं बाहर में जंगल में भी नहीं रहना चाहिए, घर में रहना। महिला मंडल ने अपना परंपरा की संस्कृति रीति रिवाज का पूजा पाठ गोठुल में करे अपना हिसाब से, वही रहे। महिलाओं को भी ये पुलिस आके, लेडीज पुलिस आके धक्का दे सकते हैं, पुरुष को तो दे सकते हैं, इसीलिए पुरुष यहाँ नहीं रहना चाहिए, ऐसा वो निर्णय लिया, लेकिन महिलाओं को वहां सब हो सकता है, लेकिन वो पूजा करें। तो बहुत सचा गर्मा गर्म था। फिर पुलिस स्टेशन 3 किलोमीटर पर है हमारा, बानोरा तहसील है, उस समय 350 जनसंख्या थी कि 350 के ऊपर शस्त्रधारी पुलिस मिलिट्री पूरा गांव को बहुत गिराव कर दिया। वहां आके वो जहां चौक पे सागवान लकड़ा था, वहां देखते तो वहां सागवान लकड़ा नहीं, वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है। फिर महिला ने बताया कि भाई इनसे तमो गोठुल बनाए, वो सिर पर हाथ लगाया, वो ठाने था। फिर फॉरेस्ट वालों का ये फोर्स बढ़ गई, हम करके लेके जाए, और उसको महिला को ऐसे ही चर्चा था, करके लेके जाते थे, लेके जाओ आप, फिर हमें लकड़ा तोड़ेंगे फाट के, फिर भी हम बनाएंगे। वो गोठुल तोड़ के लेके गए, तो उसके फिर उसी दिन में जाके लकड़ा काट के दूसरे दिन में गोठुल बनवा दिया, ऐसी की जाए बनवा दिया, और गांव बंदी कर दिया, यहाँ टीचर डॉक्टर की प्रवेश, बाकी कर्मचारी को गांव पर यहाँ आना ही। फिर वो लंबा संघर्ष हुआ कि वहीं फिर तालुका लेवल पर गया, वो मोर्चा निकालने का, वो मोर्चे में इतना लोग गुस्से गुस्से से आए, सब लोग पार्टी वाले आए, सभी लोग वहां आए, और वह कहने लगा
कि भाई आदिवासी का एक गांव का जो वोटर तो ना, तो ये पूरे आदिवासी पर है, तो चलो मोर्चा निकलेंगे। काय के लिए मोर्चा निकलेंगे, क्या मोर्चा निकल के क्या होने वाला है, ये अर्जा दे देंगे, वो पूछेंगे पढ़ेंगे, नीचे कुर्सी का नीचे डाल देंगे, कुछ भी होने वाला, फिर क्या करेंगे। एक अम्मी ने सुझाव किया मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे, तो मुख्यमंत्री लेटर लिख के क्या करेंगे, वो भी लेटर फेंगे नीचे डाल देंगे, कुछ भी होंगे क्या करेंगे। ऐसा एक ने सुझाव कर दिया कि कोई मोर्चा नहीं निकालना, लेटर भी नहीं देना, ये हमारे आदिवासी परंपरा की गोटूल की व्यवस्था के कितने गांव के लोग सागवान लकड़ा काट के ही गोटूल बनाने का कितने गांव तैयार होता है, 12 गांव तैयार, 12 गांव तैयार होने के बाद एक ही दिन में ही किया, तो बहुत इसका परिणाम हुआ उसका, ये अहिंसक का पद्धति से अपना अधिकार हाथ लिया, सरकार को बदलना पड़ा। जी, तो जो मेंडालेखा में जो ये कामयाबी आप सबको हासिल हुई कि हमारे गांव में हम ही सरकार, इसका आगे पीछे के गांव में कितना असर हुआ है? उस समय यही था कि भाई जंगल तो सभी लोग कहने लगे थे, अधिकारियों में सब लोग तो सरकारी कहते थे, जंगल सरकारी, पानी सरकारी, रास्ता सरकारी, जमीन सरकारी, सब सरकारी, क्या हम क्या भिखारी, ऐसे एक सामने आया, सब सरकार का है तो हमारा क्या है, हमारा क्या है, सरकार कहां से है ये सरकार, हम तो मूल निवासी हैं। ये जो सब चर्चे में आता था, तब मेंडालेका ने तभी एक घोषणा दिया था कि ये तो ग्राम स्वराज का ये है कि वो पद यात्रा थी, उसमें आया था कि भाई उसमें एक बैनर में लिखा था, ये डॉक्टर अभय बंग के जो पिताजी थे स्वर्गीय ठाकुर दास जी बंग, उसका यहाँ पद यात्रा थी, तब बैनर लिखा था कि वहां कि गांव गांव में हो सरकार, बांटो दिल्ली के अधिकार, ये लिखा था हिंदी। वो हमने गांव में आके उसका पढ़ाई किया, ज्ञान किया, क्या इसका अर्थ क्या होता है उसका, वो समझदार लोगों ने बताया कि भाई दिल्ली का राज्य कारोबार का धंधा गांव गांव में होना चाहिए, शॉर्टकट में, तो उसमें कि उसका मतलब मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, इसमें भी सवाल करा, हमारे गांव में हमारा राज, फिर दिल्ली और मुंबई का किसका राज बताए, वो भी हमारा है ये भी हमारा है, तो फर्क क्या है और कहां राज है, यह अध्ययन में बहुत ऊंचाता है चर्चे में। तो दूसरा जो होता है, ये सब सरकारी है, जंगल सरकारी, जमीन सरकारी, पानी सरकारी, रास्ता सरकारी, शाला सरकारी, सब सरकारी, तो हम क्या भिखारी, तो सरकार कहां से है, वो भी हम क्या है कि भाई दिल्ली और मुंबई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारा सरकार, ऐसा वो पहला नारा, दिल्ली मुंबई में आमचा सरकार, आमचा गांव आमचा सरकार, ऐसा होता मराठी में, गोंडी में क्या होता है कि दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे मावा सरकार, या शब्द अर्थ में समझ लेंगे, मावा और अमचा और हमारी, दिल्ली में भी हमारी और गांव में भी हमारी, फर्क क्या है इसमें, ये इसमें फर्क हो, यहाँ जो घोषणा शुरू हुई थी इस तरह से, तो वो घोषणा का बदलाव भामरागढ़ एरिया में एक बुजुर्ग आदिवासी अशिक्षित आदमी उन्होंने बना दिए, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार और हमारे गांव में हमारी सरकार, और दिल्ली और हमारे गांव का सरकार में फर्क क्या है बताइए, घोषणा देने को आसान हुआ लेकिन उसका अर्थ बताने में कठिन हुआ, तो ये जो हमारे कार्यकर्ते बोल नहीं पाए उनके साथ समझ, तो उसमें उन्होंने बदल दिया कि आप ही बताइए आपका क्या सवाल है, कैसे होना चाहिए, वो बोला कि दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार ठीक है, कैसे ठीक है कि हम चुन के देते हैं इस दिल्ली और बंबई के कारोबार चलाने के लिए, इसलिए हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार नहीं, हमारे गांव में हम ही सरकार, ऐसा उन्होंने बदल दिया, तो हम ही सरकार क्या है कि हमारे गांव के महिला पुरुष ये तब बैठ के हमारे गांव में क्या करना है, कहाँ रास्ता बनाना है, कौन सा पेड़ लगाना है, वृक्ष लगाना है, हम तय करेंगे, दिल्ली और बंबई वाले नहीं,
यह है हमारी, इसमें से फिर बदल के वहां ये शुरू हुआ। ये सुधारना अलग अलग लोगों ने किया गया है। तो देवा जी, ये जो उपलब्धि आप सब ने हासिल की वहां गांव के स्तर पर, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पे भी उतार सकते हैं क्या? ये हमारे पूरे देश को इस दृष्टिकोण से मदद मिल सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी जो देश भर में जो सामाजिक माहौल है, राजनीति है, उसमें बहुत घृणा और हिंसा का माहौल जो है वो बढ़ रहा है। तो ये आपका जो अनुभव है गांव का, उसके उसकी मदद से हम कैसे पूरे देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं? ये जो है कि ये बताने से काम नहीं होगा, ये तो चर्चा संवाद होना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है सभी लोगों के साथ। यहाँ जो अभी ये मुद्दा अभी आ रहा है, एक अगर देश में ये भारतीय संविधान का मूल भावना जो है वो हम भारत के लोग, क्या कम है कहाँ कम है, हम बोल रहे हैं ना, मैं नहीं हम है। तो ये इसमें होता है कि ये हिंसा जो हो रहा है विषमता के हो रहा है, विषमता, विषमता कहाँ से आ रहा है? हम बोले तो सब हम एक है, समानता आ गई, तो विषमता से होता है, तो विषमता कहाँ, इसका भी अध्ययन होना जरूरी है। और ये इतना ही अध्ययन करती हूँ कि ये कहाँ कहाँ विषमता हो रहा है, और हम कहने से होता है कि हम देश के लोग हैं, वैसे हम राज्य के लोग हैं, हम डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, अमचा गावत हमी, अमचा अमित सरकार के अमित आमी, हम ये जो है मई में नहीं आना चाहिए, हम पे जाना है। ये हमारे देश के लोग ये दो संविधान के अनुसार कह रहे हैं, या पूरे साधु संत बहुत महान तौर पुरुष ये अभी बताइए, ऐसा नहीं है से। दूसरा जो है कि कुदरत का भी अध्ययन करें, तो जमीन जो है कोई भी आदमी, कोई कंपनी या सरकार निर्माण नहीं किया गया है, पानी भी निर्माण नहीं किया है, जंगल भी निर्माण नहीं किया है, ये प्रकृति संसाधन प्रॉपर्टी सामुदायिक है, ये सामुदायिक को व्यक्तिगत रूप में जा रहा है, यहां हिंसा बढ़ रहा है, अहिंसा के तरफ जाना है। तो इसका अध्ययन के गांधी जी का जो सोच था, अच्छा इस पर जाना जरूरी है। अगर गांधी को कोई मानते नहीं तो फिर साधु संत सब धर्मों के धर्म स्थापन के रूप है, उनके विचार पर जाना है, ये मानवतावादी की दृष्टि है। हम कोया कहते हैं ना, इंसान, इंसान की यही है। फिर हिंसा कहाँ हो रहा है? विषमता, जहां विषमता है वहां संघर्ष बढ़ गई, संघर्ष से हिंसा बढ़ गई। ये जो है तो अभी विज्ञान और अध्यात्म के साथ में भी इसको भी समझना जरूरी है। तो देवा जी, आगे बढ़ते हुए एक किस्म के हमारी बात की एक कंक्लूजन में, कि जो आज नौजवान हैं, बहुत सारे नौजवान मैं मिलती हूँ जो ये, जैसे आपने बताया उस प्रकार से, उस परिभाषा से वो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, पर वो कभी कभी उनको थोड़ा वो संकोच आता है कि ये राह बड़ी कठिन है, ऐसा उनको लगता है। तो उनको आप क्या उनको आप क्या राय देंगे, उनको आप क्या सीख देंगे कि कैसे उनका हौसला बढ़े और वो और ताकत से इस रास्ते पे आगे बढ़े? कठिन तो दिखता है लेकिन अशक्य नहीं है, अशक्य नहीं है। देखिए ये जो पुणे को इसका अध्ययन ही फिर तो व्यवस्था ऐसी निर्माण किया गया है, हमने व्यवस्था उनको ये हिंसा करने के लिए मौका दे रही है। पूरा कानूनी व्यवस्था है, कोई भी कानून हो इस देश का, ब्रिटिश कालीन जो कानून बनाया है व्यवस्था, वही कानून हम लोग चला रहे हैं। भारत सरकार ने
क्यों बदलाव नहीं किया कानून पर? ये देखिए कि न्याय व्यवस्था ब्रिटिश का है, जमीन की कानून ब्रिटिश का है, एजुकेशन की पद्धत ब्रिटिश का है, ये सर्व जो व्यवस्था है कि ब्रिटिश कानून का ही क्या है उसको ही हम चला रहा है। ये भारतीय संस्कृति एक महान कहते हैं, तो भारतीय संस्कृति का महान का अर्थ क्या है? देश को सब दुनिया को हमारी संस्कृति उनको क्या है कि भाई मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसी भारतीय संस्कृति है। तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? अभी जो एजुकेशन में देखिए, हम कभी कभी बोलते हैं ऐसे, बदलो बदलो शिक्षा नहीं तो मांगना पड़ेगी भिक्षा। ये क्या कर रहे हैं हम? इस बच्चों को, हमारे बच्चों लड़की लड़कों को एजुकेशन में कॉलेज में तो कम पढ़ते हैं, लेकिन परिसर से सब इसमें ज्यादा वो पढ़ाई करते हैं। उसको ये हिंसा करने के लिए ये व्यवस्था उनको मौका दे रहे हैं, भाग फाड़ रहे हैं। हम भी आंखें से देख रहे हैं, कुछ नहीं रहे हैं। तो ये अगले जो ये पीढ़ी को यत्ना है तो कुछ तो अध्ययन करके इसका बदलना पड़ेगी कि अहिंसा का मार्ग पर चलना है। तो हमारे गढ़चिरौली जिला देश में 115वां जिला पिछड़ा है, तो हमको भी बुलाया था ये गढ़चिरौली जिले में, बहुत सारे विधायक सांसद प्रधान सचिव सब ये राज्य लेवल से आए थे, मुंबई से आए थे, कोई दिल्ली से आए थे, कुछ लोग वहीं थे। मैं सुना था वहां उनका ये देखो कैसे आगे लेते हैं, वो क्या है, वो तो पुराना ही विश्व को वो रिपीट करते थे। यहाँ एजुकेशन करना है, हेल्थ का व्यवस्था करना है, रोजगार का व्यवस्था करना है, और भी कुछ करना है, वो ही ये तो पहले का ही मुद्दा है, फिर नया क्या करें? तो मैं सुन में वहां चुपचाप था, मेरे पर उन्होंने बोला कि भूला कि जी आप बोलिए क्या सुझाव दे सकते। मैं एक ही सुझाव दे दिया, ये तो मैं सुझाव देने लायक कुछ है नहीं, आपने सुझाव दिया है वो तो है, ये भी सब देश में है, राज्य में है, यहाँ भी, पर एक हमको करना पड़ेगा, आपका क्या राय है वो? हमारे देश 15 अगस्त को स्वतंत्र मिले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो संविधान लिखा है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ है। भारतीय संविधान का उद्देशिका को पढ़ो, पहला वाक्य है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग तो कहाँ कम और क्या कम है? हम भारत के लोग ना होता है, यहाँ की जल जंगल जमीन सरकार पैसा हमारी है, और लड़के और लड़का किसके हैं? हमारा है, हम भारत के लोग। और इनको अगर एजुकेशन देना है तो उच्च क्वालिटी, जैसे को उच्च क्वालिटी पढ़े लिखे लोग अच्छा क्वालिटी का होता है ना उच्च एजुकेशन, वैसे सबको देना चाहिए। हमारे लड़के उसका कोई विषमता नहीं रखना चाहिए, सबको समान, लड़की और लड़का कोई भी हो, यह जाति धर्म बाजू में रखो, और टीचर का तनखा दे दे। हमारे स्कूल है क्या मान्य है आपको? सब सुधर जाएगा, हम भारत के लोग हैं, यह क्या कम है? एक भी आदमी हावी नहीं नाबी, क्या है ये सो? और व्यवस्था को बदलना है तो इसको कुछ अध्ययन करके उसको व्यवस्था बदलना है। तो वो ब्रिटिश जमाना का कानून को ये कर रहा है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये शिक्षा नहीं है, एजुकेशन जो कर रहे हैं ये एक सजा की बात होगी, ये एक दिन बहुत पढ़ना पड़ हो जाएगी, इसका बदलना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते वो काम कर सीखेंगे, सीखते सीखते काम करेंगे, उसको हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, जरूरत है वो पूरा उनको मिलना चाहिए, अन्न वस्त्र है, रोटी कपड़ा मकान है, जो कैसे 5 चीज है, वो गरीब हो या अमीर हो सबको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला भी, कहाँ कम है? ऐसे हमने उसको सुझाव किया था। तो आगे का जो पीढ़ी को अभी एजुकेशन में बदलाव लाना पड़ेगी, तो ये हमको करना पड़ेगी।
और आगे का जो पीढ़ी को अगर सिर्फ हमारे गांव का या हमारे महाराष्ट्र का विचार करके नहीं चलेगी और भारत देश का भी विचार करके नहीं चलेगी। हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए भी है, विश्व के लिए है। विश्व हमारे में है, विश्व में हम है। बहुत बढ़िया हुआ है, धन्यवाद।